दोस्तों, आज प्रकृति के विषय में कुछ कहने का मन हुआ है तो ज़रा आप सुनिएगा। कुछ मैंने लिखा है, मैं लिखता रहता हूँ। प्रकृति में जितनी मधुरता, पवित्रता एवं जीवंतता मुझे दिखाई पड़ती है, उतनी किसी भी वस्तु या मनुष्य में नहीं। एक मित्र के रूप में प्रकृति सदैव मेरा ईमानदारी से साथ देती है। जब मैं घर का दरवाज़ा खोलकर प्रकृति के साथ होता हूँ तो प्रकृति स्वतः ही मेरे मन का दरवाज़ा खोल देती है। प्रकृति ने मुझसे सदैव ही मेरा भौतिक तनाव बांटकर मुझे आध्यात्मिक आनंद में डूबना सिखाया है। प्रकृति में प्रेम है, शांति है, आनंद है, शीतलता है, सात्विकता है और अद्भुत सुंदरता है। प्रकृति में प्रभु है, प्रकृति में आत्मा है, प्रकृति में सर्वोच्च एकाग्रता का बिंदु है और आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से है। प्रकृति की गोद में मौन होकर बैठना तो मानो साक्षात राधा कृष्ण का मिलन है, जहाँ शरीर का रोम रोम पवित्र प्रेम का और आनंद का सूचक बन जाता है। प्रकृति के वस्त्र और गहने यानी हरे पेड़ पौधे, फूल, नदियाँ, बादल, चांद, तारे, खुशबू आदि इतने सुंदर एवं मनमोहक है कि संसार की कोई भी दूसरी कृत्रिम वस्तु कदापि इतनी मोहब्बत की हकदार नहीं हो सकती। प्रकृति की तरफ से हमेशा हाँ होती है, बस कोई इस गहन प्रेम में डूबे तो सही। अद्भुत है प्रकृति मित्रों, अद्भुत।